नमस्ते दोस्तों, SSGRT एंड क्राफ्ट विद गार्डनिंग चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार के प्लॉटर खरीदिए सर्दियों के फूलों को लगाने के लिए। जैसा कि मैं 4 प्लॉटर लेके आई हूँ और इनकी जो गहराई है वो लगभग 7 इंच की है और ये करीब 12 इंच के चौड़े हैं। ऐसे में 4 प्लॉटर लेके आई हूँ जिनकी कीमत पड़ी है 240 रुपये, यानी पर पॉट की कीमत है 60 रुपीज़, जिनको आज हम गोल्डन और रेड कलर में पेंट करने वाले हैं। अभी हमने सारे पॉट कलर कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही इनकी मजबूती भी बढ़ गई है क्योंकि मैंने इसको पेंट करने के लिए प्लास्टिक पेंट्स का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, साथ ही पानी के साथ धुलते भी नहीं हैं। तो कुछ ही घंटों में हमारे पॉट्स अच्छे से सूख गए हैं, जिनको मैंने सीढ़ियों पर रख दिया है क्योंकि इन पॉट्स का इस्तेमाल मैं अपने गैलरी गार्डन यानी बालकनी गार्डन में करने वाली हूँ और वहीं पर इसमें छोटे छोटे खूबसूरत विंटर फ्लावर्स लगाऊंगी। तो अभी हमने सारे पॉट्स को अपने गैलरी में अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रख दिया है और आप देख रहे हैं अब हमारी रेलिंग पे काफ़ी सारे पॉट्स हो गए हैं। इनकी जो गहराई है वो लगभग 7 इंच है और जो चौड़ाई है वो लगभग 12 इंच है, यानी बहुत अधिक चौड़े हैं। ऐसा ही पॉट मैं पिछले दिनों लेके आई थी और इसमें मैंने लगा रखा है पार्शुलाका के प्लांट्स, साथ ही पर्शलेंथ के। अभी इन प्लांट्स में काफ़ी ढेर सारी कलियाँ हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर धूप आती है, पर धीरे धीरे विंटर के सीजन में इनकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी। बाकी सारे जो प्लांट्स है उसको भी हमने अपने गैलरी में रखा हुआ है। इसके अलावा जो पिछले बार लेके आई थी सारे प्लांट्स, वो भी लगा रखे हैं, जिसमें हमने पिटूनिया लगा रखा है, एक जोरा के प्लांट लगा रखे हैं। साथ ही हमने एक गमले में रखा हुआ है बॉल क्राइसेंथेमा। इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तब मुझे इसके कलर की जानकारी नहीं थी, पर अब इसमें धीरे धीरे छोटी छोटी कलियाँ आ गई हैं और इसकी सहायता से आप देख रहे हैं कि ये लगभग कुछ हरी और पीली कलर की हैं। ये ब्लूम होने पर ही पता चलेगा ये कैसे रंगों की हैं। चूँकि सर्दियों के फूलों के पौधों की जो जड़ें होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, इसलिए मैं इनके लिए छोटे छोटे गमले लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।